जय शंकर जय बाबा बहना। तो गाइस कैसे हो आप सब, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस नौ दिन और नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और आज तो हो रही है बाइक में। तो गाइस चलो आपको लेके चलते हैं साथ ही में। चलो गाइस, गाइस तो पहुंच गया हूँ शादी वाले घर में, अब चलते हैं अंदर, करते हैं फंक्शन को स्टार्ट। चलो भाई गाइस, तो चलो चाय पी लेते हैं पहले, फिर करेंगे हम स्मूथ का काम। स्मूथ मतलब चरखा, चरखे का काम बाद में होगा। गाइस देखिए, तो चरखे की तैयारी हो चुकी है, आपको दिखाते हैं। गाइस तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, तो ब्रेकफास्ट में बटोरे हैं और रायता है और ये आलू हैं, मट्ठा के आलू खा लेते हैं गाइस। अति उत्तम, बहुत टेस्टी है गाइस। गाइस तो ब्रेकफास्ट हो चुका है और आपको नज़ारा दिखाते हैं अब बार का। ये देखिए क्या मस्त नज़ारा है, क्या मस्त व्यू है। हमारे घर से भी दिखती है ये घाटा की सड़क है गाइस, ये देखिए मस्त व्यू। चलो गाइस चलते हैं अब स्मूथ का प्रोग्राम लेते हैं। गाइस तो चरखा हो चुका है, अब है बटने की तैयारी, तो चलो चलते हैं अंदर। गाइस तो चलो अभी आपको लेके चलते हैं साईं मंदिर में, दर्शन करवाते हैं आज अंदर से, तो चलो। दर्शन भी कर लिए हैं, अब चलते हैं घर में, घर में करते हैं हवन का जो भी है, हवन का प्रोग्राम जो वो दिखाते हैं आपको। तो चलो गाइस चलते हैं घर में। दोस्तों देखिए यहाँ पे सब फोटो में ऐसे लिखा है, केवल बाबा जी के चरणों में फूल चढ़ाएं, इसके अलावा कुछ ना चढ़ाएं। गाइस वायर जो है तगड़े तरीके से लगी है, इसलिए हमने कैमरे छुपा के रखे हैं। गाइस तो अभी हम खा रहे हैं कांगड़ी धाम, पत्तल आ चुके हैं, दिखाते हैं आपको पत्तल, हरे पत्तल गाइस। ये गाइस हमारे पत्तल आ चुके हैं, भाई का भी आ चुका है, किट्टू का भी आ चुका है, अब इसमें आएंगे चावल, चिट्टे चोल होने और दिखा गाइस। गाइस देखिए भात आ गया है, चिट्टा हमें डाल लिए भात, चिट्टे चावल आ गए गाइस। गाइस चने आ चुके हैं, पालक पनीर आ चुका है, हर हर की खट्टी दाल आ चुकी है गाइस, इसको बोलते हैं हम सांभर। माँ चने की दाल भी आ चुकी है, पर इसको बंदे बहुत कम पसंद करते हैं। देखिए जैसे कि किट्टू ने नहीं ली है, क्यों नहीं ली, आई डोंट लाइक दिस। देखिए गाइस, सॉरी गाइस, बहुत चने की दाल थी, माँ मेरे को पसंद नहीं है और नीलू गलत बोल गया। हाँ मुझे पसंद है गाइस, सॉरी फ्रॉम हिज साइड गाइस। कड़ी भी आ चुकी है गाइस, कड़ी का आनंद भी लेते हैं हम। गाइस कड़ी तो आ गई है, पर कड़ी में नमक थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए खाने बढ़ रही है, टेस्टी है। पर गाइस माँ की दाल भी आ चुकी है। गाइस अब जो चीज़ आई है ना, ये है खट्टा, ये है लास्ट सब्जी, तो इतना टेस्टी खट्टा बना है ना कि कलेजे में आग लग जा रही है गाइस, बहुत टेस्टी है। अभी आएंगे मिठ्ठे चावल।
गाइस मैंने और नीलू ने ना चावल बचा के रखे हुए हैं और हमने मंगाया पालक पनीर, उसके साथ खाएंगे खाएंगे और उसके बाद आएंगे मीठे चावल जो हम तीन बार ही लेंगे। तीन बार तो गाइस ये तीन बार लेगा, देखिए पर ले भी सकता है ना, शरीर देखिए बंदे का डाइटिंग में भी मीठे चावल तीन बार ही लेंगे। गाइस तो खाना खा के आनंद आ चुका है, एक मीठा चावल जो एक बार ही लिए थे इसने, अब बोल रहा दो बार बाद में लूंगा, बाद में खाएगा ये दो बार अब बाद में खाएगा गाइस ये खाना है। नीलू ने वैसे तीन बार ले चुका नीलू। चलो ठीक है गाइस अब करते हैं हवन का काम। गाइस तो हवन हो चुका है और सारा शरीर जो अब पसीना पसीना हो चुका है बुरे हाल से, अब बैठे हैं पंखे के नीचे नीचे बाहर लगा है गाइस तो पंखे की हवा लेते हैं फिर अपने शरीर को ठंडा करते हैं, बहुत गर्म हो चुका है शरीर है, फिर मिलते हैं गाइस आपको। दोस्तों 6:16 हो चुके हैं और अब जा रहे हैं हम बारात में, तो इस बस में जा रहे हैं तो चलो दोस्तों बस में बैठ चुके हैं हम। में रुके हैं हम खैरा के पास, तो यहाँ पे लेंगे हम एक दो शॉट दूल्हे की गाड़ी के, तो रुके हैं यहाँ पे हम आए हैं इस बस में। व्यू देखिए गाइस यहाँ से आप कितना प्यारा जो है, और ये सारे जो आम के पेड़ हैं ये देखिए, ये जा रही है गाइस दूल्हे की गाड़ी। दोस्तों तो शॉट ले लिया, अब चलते हैं हम। अभी हम पहुंच गए हैं शिवनगर में, ये देखिए मैं तेल बनाना पता है, यहाँ पे पेट्रोल पंप पर है गाइस, यहाँ पे हम तेल डलवाएंगे। देखिए ब्यास का नजारा दोस्तों, बहुत घना जंगल है देखिए। दोस्तों ये जो मार्केट है ये गंदड़ी जगह है, वहाँ की मार्केट है। गंदड़ी के बाजार से आगे जंगल फिर से देखने को मिल रहा है। दोस्तों हम पहुँच गए हैं गंदड़ में, गंदड़ में आई है बारात, तो आपको दिखाते हैं हम गंदड़ का नज़ारा। अभी हमें जाना पड़ रहा है पैदल, तो 50-60 कदम, तो चलो गाइस। तो 11:13 हो चुके हैं और खाना खुना खा लिया, अब जा रहे हैं हम घर में, घर में होगा वेद का काम, तो चलो चलते हैं। और 12 बजे के लगन है गाइस, तो मुझे लगता है आज तो पूरी रात लगेगी, तो चलो करते हैं काम। आज तो देख ही लिया होगा आपने, वेद की तैयारी हो चुकी है और लगन जो है 12 बजे लग पड़ेंगे और
आज का ब्लॉग होता है खत्म, मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय भोलेनाथ, जय बाबा भोलेनाथ। आप क्या बोलना चाहते हो? ये कि पोर्ट्रेट इन्होंने बनाने नहीं दिए मैरिज के, बोलते हैं लग्नों के लिए लेट हो रहे हैं, पता नहीं कब बनेंगे पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट भी ले लेंगे तो ठीक है गाइज, गुड नाइट।